जींद के कौशिक नगर से प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट व अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही अपहरण किए गए प्रॉपर्टी डीलर कपिल को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पुल सिंह, रणधीर, कुलदीप, धर्मराज और उम्मीद के रूप में हुई है। इन आरोपियों ने पैसे के लेन देन को लेकर बीती 24 अप्रैल को कौशिक नगर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर कपिल का अपहरण किया था और गाड़ी में डालकर उठा ले गए थे। बताया जा रहा है कि अपहरण के दौरान कपिल के साथ मारपीट भी की गई, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक सुबह सुबह 24 तारीख को कपिल नाम के व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था। फूल सिंह और उसका छोटा भाई व अन्य 6-7 आदमी और थे जो गाड़ी में डालकर कुहाड़ा की तरफ भाग गए और मेरे एहतो साहब और उन्हें पता लगा और श्री नरेंद्र सिंह बजना के आदेश अनुसार हमें दो टीमें तैयार की और सोनीपत की तरफ हमारी टीमें भी पीछे पीछे कूच कर गई, जिसको सोनीपत में जाकर उन्होंने दबोच लिया। 8 घंटे के अंदर अंदर दबोच लिया गया था। इस वारदात के पीछे क्या कारण रहा है सर? कोई पैसे का लेन देन है या कोई पैसा लेन देन आपस में इन्होंने बताया है? लगभग कितने पैसे का लेन देन? करीब 40 लाख रुपये का। 40 लाख? किसने पैसे का लेन देन था, किसने किसके लिए बताया? इस बात का मालूम नहीं पैसे किसके थे किसके नहीं। अभी जाँच चल रही है, जाँच के मतलब भी आएगा सामने, हम बता देंगे। कितने पकड़े गए हैं सर, आगे क्या कुछ? 5 पकड़े गए हैं, 2 दिन का रिमांड भी लिया गया। पुलिस ने अपहरण की इस घटना का पर्दाफाश 8 घंटे के अंदर किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ में आरोपियों ने और भी कई खुलासे की उम्मीद की है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।